बड़े पर्दे पर आने वाली है सिम्बा और उसके आने से पहले ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रेडिक्शंस आने लग गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये फिल्म पहले ही दिन 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है रोहित शेट्टी की पिछली फिल्में, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस, गोलमाल अगेन, सिंघम रिटर्न्स, कोई भी हो, सबने अपने ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 30 करोड़ रुपए की कमाई तो की ही है। सेकेंड रीजन है रणवीर सिंह, जो पद्मावत के बाद दोबारा इस फिल्म में नजर आएंगे, तो फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक और कारण है सारा अली खान, जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया है, लेकिन लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और उनके ह्यूज फैंस उन्हें वाकई बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। वहीं बात करें सिम्बा की कहानी की, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, क्योंकि ये फिल्म एक रीमेक है साउथ की फिल्म टेम्पर का, इसलिए इस फिल्म को काफी प्रमोशन और हाइप के साथ बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। वहीं इसके कलेक्शन बढ़ने का कारण है फिल्म जीरो भी, क्योंकि जीरो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है और फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी है। तो मूवी लवर्स को एक फिल्म की जरूरत है जो उन्हें जल्दी मिलने वाली है, दैट टू नियर टू द न्यू ईयर। तो इस वीकेंड पर बड़े धमाके के साथ सिम्बा आएगी और माना जा रहा है कि शायद तक 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन पहले ही हफ्ते में कर ले।